नमस्कार साथियों, आर्यन डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर सेशन में अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश जैन का। अभी हाल ही में हमने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई और ये स्वतंत्रता जो था, स्वतंत्रता दिवस, वो 76वां स्वतंत्रता दिवस था। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया। 26 जनवरी पर को रिपब्लिक डे मनाते हैं, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है, दोनों में अंतर है। 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। सांकेतिक महत्व इसका इस बात का है कि देश को आजादी मिली थी और यूनियन जैक जो ब्रिटेन का झंडा था उसे उतारा गया और भारतीय ट्राई कलर तिरंगा उसे ऊपर फहराया गया। और 26 जनवरी 1950 भारत रिपब्लिक बना था, गणतंत्र बना था। तो गणतंत्र बना था तो किसी और का झंडा उतारने की आवश्यकता नहीं थी, तो जो झंडा हमारा ऊपर लगा हुआ था उसी को हमने फहरा दिया। ये दो तरीके हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के। बहरहाल, 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई 15 अगस्त 2022 को। इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक बड़ी मजेदार चीज है कि भारत में कुल रामसर साइट की संख्या भी 75 हो गई। अब ये रामसर साइट क्या है? तो 1971 में, 1971 में एक रामसर शहर है ईरान का, एक कन्वेंशन हुआ किसके लिए? आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, उनके स्थायी उपयोग के लिए। तो 1971 में जो रामसर शहर में, ईरान के शहर में कन्वेंशन हुआ, उसमें एक संधि पत्र तैयार हुआ और 1975 में ये रामसर साइट अस्तित्व आई। रामसर साइट अस्तित्व में कब आई? तो 1975 में, यानी कि ये कन्वेंशन जो पत्र था उसको एग्जीक्यूट कब किया गया? तो 1975 में, 1975 में। अब बात आती है भारत की, तो भारत 1 फरवरी 1982 को इस रामसर कन्वेंशन पर संधि करने वाला देश बन। तो भारत ने रामसर कन्वेंशन पर संधि कब की? तो 1 फरवरी 1982 को। तो अभी वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स है? तो 75। रामसर साइट्स कौन सी होती है? कि ऐसी साइट्स जो विश्व की सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाली हो, नम भूमि वाली हो, जहां का संरक्षण हो और उसका स्थायी उपयोग हो। भारत की प्रथम रामसर साइट आप में से कोई बताएगा? भारत की प्रथम रामसर साइट तो चिल्का झील और घना पक्षी अभयारण्य, ये भारत की सबसे पहली रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये एक लैगून झील है और उत्तरी सरकार तट पर भौगोलिक रूप से इसको माना जाता है। और घना पक्षी अभयारण्य अपने भरतपुर में है। तो घना पक्षी अभयारण्य जो है वो भरतपुर में है और ये साइबेरियन सागर के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत की प्रथम रामसर साइट्स मानी जाती है। ठीक है, अब 75वीं रामसर साइट्स जो अभी बनी हाल ही में, सबसे लास्ट वाली है, उस 75वीं रामसर साइट का नाम क्या है? तो शाल बुद्ध कन्वेंशन सेंटर। 75वीं साइट शाल बुद्ध कन्वेंशन सेंटर, ये जम्मू और कश्मीर में है। ये करंट अफेयर्स के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे कि भाई टोटल रामसर साइट्स भारत में अब तक कितनी हो चुकी है? तो 75। भारत रामसर साइट्स कन्वेंशन का सदस्य कब बना? तो 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, और भारत की प्रथम रामसर साइट्स कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में, उसी के साथ घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर की भी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया। 75 जो टोटल रामसर साइट्स भारत में है उसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। 14 रामसर साइट्स है वहां पे तमिलनाडु के अंदर। और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जहां पर 10 रामसर साइट। तो तमिलनाडु यहाँ पे 14 रामसर साइट है और दूसरे नंबर पे आता है यूपी, जहां पर 10 रामसर साइट्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स है? एक तो वो जो भारत की प्रथम रामसर साइट थी घना पक्षी अभयारण्य, ये भरतपुर में है।
पक्षी अभयारण्य के बारे में जानते हैं, विश्व धरोहर में शामिल है, यह रामसर साइट यूनेस्को के द्वारा ही डिक्लेयर होती है। गढ़ा पक्षी अभयारण्य में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। और साइबेरियन सारस भारत राजस्थान में किस मौसम में आते हैं, तो सर्दी के मौसम में आते हैं, पर किस मौसम की तलाश में आते हैं, तो गर्मी की तलाश में आते हैं, क्योंकि साइबेरिया में उस समय जब राजस्थान में ये साइबेरियन सारस आते हैं, तो साइबेरिया जो उत्तरी रूस का पार्ट है, वहां का टेम्परेचर होता है -40 -50 डिग्री सेल्सियस। तो वो इतने भयंकर ठंड से बचने के लिए गर्म प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, और वो राजस्थान में गढ़ा पक्षी अभयारण्य में आकर अपना आवास बनाते हैं, जो हमारे लिए ठंड का समय होता है, और साइबेरियन सारस के लिए वो गर्मी का मौसम होता है। तो राजस्थान में जो पहली रामसर साइट है वो गढ़ा पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है, और दूसरी है सांभर झील। सांभर झील एक आंतरिक प्रवाह की झील है, राजस्थान के 3 जिले की सीमाओं पर स्थित है, नागौर, जयपुर और अजमेर। सांभर झील जो है पूरे देश का लगभग 1.7% नमक का उत्पादन करती है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट नमक मिलता है, 78-80% लगभग सोडियम क्लोराइड नमक मिलता है। यहाँ पर जो नमक निकालते हैं वो केशाखंड पद्धति से निकालते हैं। और सांभर झील के बारे में कई सारी बातें, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है, और इसमें कई सारी नदियां जाकर गिरती है। इसमें मेंढा नदी जो है उसका साल्ट जो है जिसकी लवणता है वो सबसे ज्यादा होती है। ये डिस्कस करने वाली बातें ज्योग्राफी के अंदर हुई। तो 75वीं वर्षगांठ भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस एक जबरदस्त चीज लेकर आया कि रामसर कन्वेंशन साइट्स भी भारत में कितनी बनी, तो 75। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, जगदीप जी धनखड़। कौन है ये जगदीप जी धनखड़? सैनिक चित्तौड़ के स्टूडेंट, किठाना झुंझुनू के निवासी। किठाना झुंझुनू के निवासी, सैनिक स्कूल चित्तौड़ के, स्कूल लाइफ में स्टूडेंट, और महाराजा कॉलेज से इन्होंने बीएससी किया। महाराजा कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय, महाराजा कॉलेज जहां से आपके अपने राजेश सर ने भी बीएससी किया। तो किठाना झुंझुनू के श्री जगजीत धनखड़ ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। वो देश के कौन से उपराष्ट्रपति बने? तो 14वें उपराष्ट्रपति बने। अब आप बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा। क्या राज्यों की विधानसभाएं भी इसमें वोट डालती है? तो नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, या विधानसभा का उसमें कोई रोल नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन से सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं? निर्वाचित या फिर सभी? उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जिन्हें हम कहते हैं वोट डालने के पात्र होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के अलावा बाकी सभी चीजों में भाग ले सकते हैं। सांसद जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के अलावा बाकी सभी घटना कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो श्री जगदीप जी धनखड़ किठाना झुंझुनू के चित्तौड़ से स्कूल के स्कूलिंग उन्होंने की है, और महाराजा कॉलेज जयपुर से उन्होंने बीएससी किया, देन लॉ की पढ़ाई की, देन वो बंगाल के गवर्नर रहे, और गवर्नर के पद पर रहते हुए उनको देश का 14वां उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उनके जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट था वो मार्गरेट हलवा थी। मार्गरेट हलवा को उन्होंने बहुत बड़े अंतर से हराया, 25 सालों में इतने बड़े अंतर से जीत प्राप्त करने वाले वो देश के फिर उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले और कितने उपराष्ट्रपति थे जिसका संबंध राजस्थान से था? तो माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत दिवंगत हो चुके हैं। भैरव सिंह जी शेखावत एपीजे अब्दुल कलाम साहब के समय देश के उपराष्ट्रपति थे, वो 11वें उपराष्ट्रपति माने जाते हैं। हम्बन टोट नाम सुना है? चर्चा में है अभी, क्यों? हम्बन टोट ये एक बंदरगाह है, कहां पर है ये? तो श्रीलंका में। श्रीलंका में भी किस जगह पर? तो दक्षिणी श्रीलंका में। क्या हो गया यहाँ पे? तो सैटेलाइट पर नजर रखने वाला एक चीनी
जहाज यहां पर आकर ठहर गया, इसे जासूसी जहाज कहा जाता है। लेकिन चीन ने यह कहा कि भाई ये उस क्षेत्र के लिए कुछ एग्रीमेंट के तहत हमने यहाँ पर इसको रखा है, ये कोई जासूसी के लिए हमने इसको यहाँ पर नहीं रखा है, इसलिए उस देश के लोगों को अपने सुरक्षा संबंधी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हामुन टोट बंदरगाह पर जब चीनी जहाज आया तो भारत के थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी था, प्रतिक्रिया हुई भारत की तरफ से। और एन्नोर बंदरगाह जो चेन्नई में है वहां पर अमेरिका का एक शिपयार्ड भारत में आया, और उस शिपयार्ड का नाम है USNS, ये अमेरिकी एक शिपयार्ड है चार्ल्स ड्रियू नाम से, USNS चार्ल्स ड्रियू। कहने के लिए ये मरम्मत करने के लिए यहां पर आया, लेकिन ये भी चीनी जहाज की इस क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत में आया। चार्ल्स ड्रियू USNS बंदरगाह कौन से बंदरगाह पर आया, तो एन्नोर चेन्नई बंदरगाह पर। चेन्नई बंदरगाह भारत के किस तट पर आता है, तो कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर आता है। नीति आयोग की अभी एक बैठक हुई है, और नीति आयोग की बैठक में सातवीं परिषद, चलो कुछ घटनाएं हम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की भी और चर्चा करें। अभी पूरे विश्व में रूस यूक्रेन विवाद, आर्मेनिया अजरबैजान विवाद, चीन ताइवान विवाद, इन दोनों में तो युद्ध हो रहा है आपस में, इनके अपने अपने कारण है। तो विवेचना में हम किसी दिन इन टॉपिक को लेकर विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं अपन चीन और ताइवान की। चीन का मतलब है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान का मतलब है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको कम्युनिस्ट चाइना भी कहते हैं और इसको डेमोक्रेटिक चाइना भी कहते हैं। 1949 और 1955 ये वो समय था जब चीन में भयंकर सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ। तो लोकतांत्रिक समर्थक और साम्यवादी समर्थकों के बीच में जबरदस्त गृह युद्ध हुआ, और लोकतांत्रिक समर्थक जो लोग थे वो फाइनली बैकफुट पर आए, और वो ताइवान जैसे छोटे से टापू पे जाकर उन्होंने शरण ली और अपनी सरकार वहां पर बना ली। और बड़ा जो चीन था, मेनलैंड जो चीन का था, वहां पर कम्युनिस्ट चाइना के समर्थकों की जीत हुई, और जिसे आज की तारीख में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। अब चाइना जो है वो ये कहता है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना एंड चाइना पॉलिसी के तहत, यानी कि चीन रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कहता है कि ताइवान चीन का एक भाग है, और ताइवान ये कहता है कि चीन हमारा है। यानी कि ताइवान वाले ये चाहते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना हो, और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी कम्युनिस्ट सत्ता की स्थापना हो। आपस में संघर्ष विचारधारा को लेकर, और ताइवान को चीन एक स्वतंत्र देश नहीं मानता। ओलंपिक खेलों में भी ताइवान को ताइपे के नाम से भाग लेने की अनुमति है, स्वतंत्र ताइवान देश के नाम से भाग लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन अभी इस ताइवान वाले मैटर पे अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की, जिससे चीन भड़क गया, क्योंकि तो चीन ने ये इसको इसको इस रूप में लिया कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं कर। लेडी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर अमेरिका की, उन्होंने यात्रा की, और यात्रा का जो समय था वो डेट है 2-3 अगस्त 2022, 2-3 अगस्त 2022। उन्होंने जब चीन की ताइवान की यात्रा की तो चीन इससे भड़क गया, और चीन ने इसका कड़ा विरोध दर्ज किया। उसके बाद उसने युद्धाभ्यास भी शुरू किया, कई बार उसने ताइवान के एयर स्पेस पर भी अतिक्रमण किया। तो दोनों के बीच में काफी अभी विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। तो चीन और ताइवान डिस्प्यूट है क्या, ये कब से शुरू हुआ, और वर्तमान में इसमें आग क्यों लगी? तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की, और ताइवान की यात्रा करने का मतलब ये निकलता है कि अमेरिका ताइवान को मान्यता देता है। इस कारण से चीन जो था वो भड़क गया, और उसने इस यात्रा का जबरदस्त तरीके से विरोध व्यक्त किया।
कायदा, पता नहीं कौन सा कायदा है, अल कायदा, नो गया, याद है कुछ? ट्विन टावर अमेरिका के पेंटागन पर हमले हुए, और इसी क्रम में 2011 में हैदराबाद पाकिस्तान का एक शहर है, में अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के सील कमांडो ने मार गिराया। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। सील कमांडो का मतलब है सी फॉर सी समुद्र, ए फॉर एयर और एल फॉर लैंड, यानी कि ऐसे कमांडो जो समुद्र में, आकाश में और धरती पर कहीं पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने 2011 में एबटाबाद पाकिस्तान के एक शहर में आर्मी कैंप के पास में एक शहर था वहां पर मार गिराया। ठीक इसी तरीके की एक और घटना अभी 2022 में भी हुई है, 31 जुलाई 2022। क्या हुआ 31 जुलाई 2022? अल जवाहिरी, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी को अलकायदा का चीफ नियुक्त किया गया, और अल जवाहिरी को भी अभी अमेरिका ने 31 जुलाई 2022 को मार डाला। ये घटना कहां पर हुई है? तो अफगानिस्तान के काबुल शहर की है, काबुल शहर में ये घटना हुई है। इसको मारा कैसे था? तो क्या सील कमांडो ने इसे मारा था? तो नहीं, इसको मारा गया था एक मिसाइल हमले में, और उस मिसाइल का नाम था एल फायर। मिसाइल का क्या नाम था? एल फायर। इस मिसाइल की एक विशेषता है क्या? कितने भी लोग खड़े हो पर पर्टिकुलर एक को अगर मारना, तो ये मिसाइल उस भीड़ में उस व्यक्ति को सेलेक्ट करके केवल उसको मारती है, ऐसा अमेरिकन्स के द्वारा कहा गया। तो ये एक घटना है जिसमें अल जवाहिरी की मौत हुई, और अल कायदा का जो शीर्ष कमांडर था उसे काबुल शहर में अमेरिकन्स के द्वारा मार दिया गया। 2011 में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान के शहर में मारा था, और 2022 में अल जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल शहर में मार दिया गया। अभी भारत में एक लैटिन अमेरिकन देश है, नाम उसका पराग्वे। लैटिन अमेरिकन देश कौन से देश होते हैं? दक्षिण अमेरिका के वो सारे देश, अर्जेंटीना, कोलंबिया, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, पेरू, ये सारे जो देश है वहां पर लैटिन भाषा बोली जाती है उसे लैटिन अमेरिकन देश बोलते हैं। तो भारत का ऑफिशियल दूतावास उस देश में नहीं था, बिल्डिंग उस देश में नहीं थी, उस देश का नाम है पराग्वे। तो भारत ने हाल ही में किस लैटिन अमेरिकन देश में अपने दूतावास भवन का उद्घाटन किया? दूतावास भवन का उद्घाटन किया तो उस देश का नाम है पराग्वे। तो क्या पराग्वे से भारत के कूटनीतिक संबंध इससे पहले नहीं थे? तो संबंध थे। तो कैसे थे? अर्जेंटीना का जो ब्यूनस आयर्स जो शहर है जहां पर अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास है, उसी ऑफिस से, उसी बिल्डिंग से पराग्वे के साथ भी भारत के कूटनीतिक डिप्लोमेटिक संबंध चल रहे थे, लेकिन पराग्वे के साथ डिप्लोमेटिक संबंध अब पराग्वे की धरती से ही प्रारंभ हो गए, और पराग्वे में ही भारत ने अपना भारतीय दूतावास की एक बिल्डिंग बना ली है, और उस पराग्वे का जो राजधानी है उसका नाम है एसेंसियोन। राजधानी का क्या नाम है? एसन सियोन, ये आपको ध्यान रखना है। एक जबरदस्त घटना अंतरिक्ष से संबंधित, उस पर भी चर्चा करते हैं। आपने सुना है मिशन डार्ट? मिशन डार्ट ये किसका मिशन है? नासा का। नासा अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, और इस नासा ने स्पेस एयरक्राफ्ट उसको छोड़ा, क्यों? एक एस्ट्रॉइड पर हमला करने के लिए। हम क्यों हमला करना चाहते हैं एस्ट्रॉइड पर? उसने हमारा क्या बिगाड़ा? तो 11 मिलियन किलोमीटर दूर एक एस्ट्रॉइड था, और उस एस्ट्रॉइड का नाम था डिमोर्फोस।
डिमोर फोस इस पर हमला किया और इसकी डायरेक्शन को चेंज किया गया। तो ये प्रयोगात्मक परीक्षण था ये, और प्रयोग क्यों किया गया? इन फ्यूचर में मान लीजिए कि पृथ्वी की तरफ वो एस्टेरॉयड इस तरीके से तेजी से आए और पृथ्वी से टकराने की कोशिश करे, जिससे पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट होने की स्थिति में आ जाए, तो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पृथ्वीवासियों ने, अमेरिकन्स ने तैयारी पहले से करके रखी है। यानी कि इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अगर बात आती है तो कौन सा देश सबसे पहले खड़ा होगा? अमेरिका। इसलिए इसको सुपर पावर भी कहते हैं और उसको मानना भी पड़ता है, क्योंकि अगर पूरी पृथ्वी की रक्षा करने की नौबत आई तो अमेरिकन ही काम आने वाले हैं, बाकी और कोई काम आने वाला नहीं है। भारत का जो इसरो है वो भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका इस मामले में बहुत ज्यादा एडवांस है। तो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है डार्ट, मिशन डार्ट रखा। उसने 11 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड को टक्कर मारी। डिमॉर्फोस एस्टेरॉयड का नाम था और इसका मकसद सिर्फ इतना था कि कोई भी एस्टेरॉयड भविष्य में अगर पृथ्वी की तरफ आए तो हमारे जो वैज्ञानिक है, इस पृथ्वी के जो वैज्ञानिक है, वो उस पर हमला करके उसकी दिशा को मोड़ दे और पृथ्वी की रक्षा कर ले। तो मिशन डार्ट जो है वो प्रथम दृष्टया ऐसे सफल माना गया, लेकिन फाइनली ये पूरी तरह से कितना सफल होगा या सफल नहीं हुआ इसका पता अभी थोड़े दिनों बाद लगेगा। और अभी हाल ही में एक पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को डार्ट नाम का एक 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई है, और उस देश का नाम है मलेशिया और उस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है नजीब रजाक। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। इसके बारे में हम कंटिन्यू बात करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस दीजिएगा। निश्चित रूप से हम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की विवेचना के क्रम में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। सेशन स्टार्ट किया है आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने, तो धीरे धीरे हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे से अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू।